ये साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री को एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं और इसके तहत हम चैप्टर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तक सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कवर करा दिया। आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन और इसके आगे क्या क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, इनके बारे इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। हम शुरुआत करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। सबसे पहले इसमें हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे दैट इज़ सोडियम सल्फेट एक्सपेरिमेंट। क्या है ये सोडियम सल्फेट एक्सपेरिमेंट? देखिए, आपकी बुक में जो इमेज है मैं उसी इमेज को यूटिलाइज़ करूँगा ताकि आप जब पढ़ें तो आपको बेहतर कोरिलेट हो जाएं चीज़ें। देखिए, आपको कहा जाएगा किताब में कि आपने दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे। यानी कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में आपको सॉल्यूशंस लेने हैं, एक सोडियम सल्फेट का, एक बेरियम क्लोराइड का। इतनी बात क्लियर हो गई? ये सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये बेरियम क्लोराइड। और फिर आपने एक चीज़ नोटिस की कि जिस टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन था, हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसे उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था। मतलब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करवाया, हमने इन्हें आपस में मिला दिया। अब क्या नतीजे निकलते हैं जिससे हम ये कंक्लूड कर पाएँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? आइए हम इन्हें समझें। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सोडियम सल्फेट एक्सपेरिमेंट में कि देयर इज सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अनदर, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, क्या हुआ ध्यान से देखिए। आपके पास सोडियम सल्फेट था NaSO4, यहाँ पे बैलेंसिंग है Na2SO4, इट इज़ सोडियम सल्फेट। आपके पास बेरियम क्लोराइड है BaCl2, दिस इज़ बेरियम क्लोराइड। आपने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया तो अब क्या क्रिएट हुआ ध्यान से देखिए। सोडियम सल्फेट की जगह अब बेरियम सल्फेट क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट साइड पे सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, पर अब आपके पास प्रोडक्ट साइड पे बेरियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है। यानी कि पोजीशंस चेंज हुई हैं। ऑब्जर्व किया आपने, दिस इज़ BaSO4, दिस इज़ बेरियम सल्फेट एंड दिस इज़ NaCl, दिस इज़ सोडियम क्लोराइड। और दूसरी बड़ी चीज़ आपने नोटिस करनी है वो ये कि रिएक्टेंट साइड पे जब मैंने Na2SO4 की बात की, ये सोडियम सल्फेट एक्वस स्टेट में है। हमने इसे सॉल्यूशन के रूप में देखा था ना, सो इट इज़ इन एक्वस स्टेट। मैंने वो मेंशन नहीं की क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमने सॉल्यूशन लेना है। और दूसरी तरफ बेरियम क्लोराइड भी यहाँ पर BaCl2 एक्वस स्टेट में ही है। तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में थे, यानी कि एक्वेश फॉर्म में थे। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कुछ बदला, वो क्या? प्रोडक्ट साइड पर अब हम बेरियम सल्फेट विटनेस कर रहे हैं जो कि BaSO4 है, पर ब्रैकेट में इसकी जो फिजिकल स्टेट मेंशन है वो सॉलिड है, तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया। लेकिन अभी भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वेश स्टेट में ही है। मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म में हो गया और BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सॉलिड? अब मैं यही समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो हुआ क्या, हमने ये लिखा कि देयर इज सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अनदर, देन
देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. डन. यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड. एक सफ़ेद कलर का सब्सटेंस बना जो पानी में घुल नहीं रहा, वो सब्सटेंस कहलाता है, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है प्रेसिपिटेट. तो आपने देखा इस रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट्स बने. वो प्रेसिपिटेट ही यहाँ पर बेरियम सल्फेट है. और इसीलिए क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाना, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये अब सॉल्यूबल नहीं है वाटर में. तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें, जहां हमारे पास दो लिक्विड्स थे पहले, यानी कि दो सॉल्यूशंस थे, एक था सोडियम सल्फेट का, एक था बेरियम क्लोराइड का, जब हमने उन्हें रिएक्ट करवाया, तो अब हमारे पास एक सॉल्यूशन यानी कि एक एक्वेश मटेरियल और एक सॉलिड मटेरियल है, और वो सॉलिड मटेरियल है बेरियम सल्फेट. वो प्रेसिपिटेट बना वाइट रंग का. केमिस्ट्री में कभी अगर लैब्स में पर एक्सपेरिमेंट्स किए हों तो इस तरह से प्रेसिपिटेट्स बना करते थे. ओके. तो यहाँ पर लिखा है कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो जैसे हमने ये पढ़ा था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, उन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. बट साथ के साथ हमने उन रिएक्शंस के बारे में ये भी पढ़ा था कि इस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज़ होती है, तो हम उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं. हमने पढ़ा था कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, उन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट साइड पर एक सिंगल कंपाउंड जो कि अपनी कॉम्प्लेक्स स्टेट से ब्रेक हो करके प्रोडक्ट साइड पे दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बदलता है, सिंपलर कंपाउंड्स में बदल जाता है या एलिमेंट्स में बदल जाता है. और इस प्रोसेस के दौरान हमने ये देखा था कि एक सिंगल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, और हमने इसे कहा था एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं जो अपने आप में एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें अभी जो चीज़ें हुई हैं वो मैं समझाऊंगा कि कौन किसकी जगह पे आके सेटल हुआ. बट साइमल्टेनियसली एक चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती थी, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती थी, वैसे ही इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इसलिए हम इन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं. ओके. जैसे उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वैसे इन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है. इतनी बात समझ आई? अब अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ क्या है इसको समझिए. देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा ये कि द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट ये कैसे बना, इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उस मॉलिक्यूल को, उस कंपाउंड को, उस एलिमेंट को हम यहाँ पर क्या कह के पुकारेंगे, इट इज़ एनायन. इट इज़ एनायन. वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट इज़ एनायन. इतनी बात समझ आई? और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम क्या कह के पुकारेंगे, कैटायन. तो हमारे पास दो तरह के आयन्स हैं. एक तो आपके सामने पॉजिटिव आयन्स हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कैटायन्स. ओके. और एक आपके पास नेगेटिव आयन्स हैं, हमने ये सब पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, आप उन्हें कह सकते हैं एनायन. ओके. और ये हमने क्यों किया इसको समझना ज़रूरी है. आप सब जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एटम्स में जितने प्रोटॉन होते हैं द पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एटम्स में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है. तो दैट्स व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
ओके लेकिन फिर हमने ये देखा है कि किसी भी एक एलिमेंट या किसी भी एक मॉलिक्यूल या किसी भी एक कंपाउंड के दूसरे के साथ मिलकर के कंपाउंड बनते हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है। और ये कैसे जुड़ता है? एटम्स या तो जाकर के जुड़ते हैं या एटम्स ही ब्रेक होते हैं। आई बात समझ में? एटम की बॉन्डिंग और एटम की ब्रेकेज से ही ये सब कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स बनते बिगड़ते हैं, यही हमने देखा था। और वो जो बॉन्डिंग कराने का काम होता है वो करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई एक एटम है, सपोज़ एग्जांपल, उसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट मान लीजिए कि उसने उसके इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो अब उसमें 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब उसमें दो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि 10 पॉजिटिव चार्ज वाले आइटम हैं और 8 नेगेटिव चार्ज वाले आइटम हैं, तो फिर उसे डोमिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज। ये इस बात का प्रमाण होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज़्यादा है, और ये कहलाएगा, ये आयन कहलाएगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तो अब ये इस पे चार्ज आ गया है, तो अब ये आयन हो गया है, तो अब ये कहलाएगा कैट आयन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। अब मान लीजिए कि यही जो पर्टिकुलर एटम है इसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, बट इस एटम ने किसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो अब 12 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इसकी वजह से दो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गए हैं इसमें, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, चार्ज हो गया, और चार्ज चढ़ा हुआ है नेगेटिव, और इसकी वजह से ये हो जाएगा एन आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन या पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेज डिस्टर्ब हो गई है, अब उस पर चार्ज चढ़ गया है, या पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया या नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, दैट्स ऑल। तो कैटायन और एनायन हमने यहाँ पर देख लिया, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन नेगेटिवली चार्ज। अब वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, वो ये कह रहे हैं कि वो जो वाइट प्रेसिपिटेट बना बेरियम सल्फेट का, वो इसलिए बना क्योंकि इज मेड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ये जो SO4 नेगेटिव चार्ज्ड प्लस Ba2 पॉजिटिव चार्ज्ड। तो Ba के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इज अ टू पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर देखिए दो नेगेटिव चार्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण देता होगा कि वहाँ पर दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, और ये इस बात का प्रमाण है, दो नेगेटिव माने यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे, दो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव, और हम जानते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। ओके तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दो आयन्स हैं, अब आप भूल जाइए कि कैट आयन है कि एनायन है, दे आर आयन्स। तो मतलब हमारे पास इस समय ये जो केमिकल रिएक्शन थी पूरी, ये केमिकल रिएक्शन में ये जो केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है सारे, ये कंपाउंड, ये Na2SO4 और BaCl2, ये आयोनिक कंपाउंड हैं, ये आयोनिक कंपाउंड है ना, क्योंकि इनमें आयन्स है ना, Ba के ऊपर 2+ का चार्ज चढ़ा हुआ है ना, और SO4 के ऊपर 2- का चार्ज चढ़ा हुआ है ना, जो मैंने यहाँ लिख के नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिख के दिखाए हुए हैं। ओके तो इसकी वजह से ये कंपाउंड नॉर्मल नहीं है, ये आयोनिक कंपाउंड है, और हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस उन्हें कहते हैं जिनमें हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड पर दो आयोनिक कंपाउंड हैं, उन आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज होते हैं, आयन्स एक्सचेंज होते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई दैट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनों से अलग हैं,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो सिंपल कहानी ये थी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे जिंक ने, लेड ने, आयरन ने अपने से कम रिएक्टिव कॉपर को हर बार रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया कह लो। लेकिन यहाँ पर कम रिएक्टिव या ज़्यादा रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, यहाँ पर तो ये कहानी है कि कंपाउंड जो हैं वो आयोनिक हैं और उन कंपाउंड्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज हो गए हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब हम यहाँ पर देखेंगे कि Na2SO4 था, Na2 के ऊपर पॉजिटिव है, SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर BaCl2 था, Ba के ऊपर पॉजिटिव है, Cl2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि Na2 यहाँ पर क्या है, कैटायन, और SO4 एनायन, Ba प्लस है तो यहाँ पर ये कैटायन है और Cl2 नेगेटिव है तो ये एनायन है, तो ये चार्जेस हैं इन पर, तो ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयन वाले कंपाउंड है, ओके। अब ऐसे में हमने क्या किया, इस कंपाउंड में से ये Na2 प्लस जो है किसके साथ जाकर के कनेक्ट होगा, ये Cl2 नेगेटिव के साथ, और ये है क्या, इट इज़ अ रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड पे आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ये प्लस इस नेगेटिव के साथ जाके लगेगा, तो ये एरो मैंने बनाया हुआ है, तो Na2 पॉजिटिव जाके लग गया Cl2 नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर क्रिएट हुआ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट साइड पे, यानी कि यहाँ पे देखो NaCl क्रिएट हुआ, ओके। और दूसरी तरफ ये SO4 नेगेटिव है, पर इस तरफ ये Ba प्लस है, Ba पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव अब इस नेगेटिव से आके जुड़ेगा, ये एरो मैंने बनाया हुआ है, तो ये हो गया BaSO4, तो ये हो गया BaSO4, तो रिएक्टेंट साइड पे आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज हुए हैं, Na प्लस उधर SO4 नेगेटिव से जुड़ गया जा करके, और Na प्लस उधर Cl2 नेगेटिव से जुड़ गया जाके, और Ba प्लस इधर SO4 नेगेटिव से जुड़ गया आकर के, तो इसकी वजह से ये क्रिएट हुआ दिस BaSO4, और ये है प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, वाइट कलर का, सोल्यूबल नहीं है पानी में, और ये बना हमारे पास एक्वस मटेरियल था सॉल्यूशन, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और अच्छे से मैंने इसे एक्सप्लेन किया, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अंतर यही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयोनिक कंपाउंड्स जो रिएक्टेंट साइड्स पे हैं उनमें आयन्स अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं, तो आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं और दो नए कंपाउंड्स का जन्म होता है। और क्योंकि यहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट हुआ है तो हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कह देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपके लिए? बस इतना ही, ये शब्द जानना ज़रूरी था। अब तक के हमारे पिछले और आज के लेक्चर के बाद हम कॉम्बिनेशन